अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रादत श्याम। मेरी एफ बी मार्केटिंग की वीडियो में एक क्यूरी मुझे वसूल हुई, जिसमें अंजुम हनीफ चाहती हैं कि उन्हें गाइड किया जाए कि वो या कोई भी फ्रीलांसर किसी भी मार्केट प्लेस पर रिज्यूम डिज़ाइनिंग की सर्विसेज किस तरह से दे सकते हैं। बेसिकली वो ये जानना चाहती थी कि किन फॉर्मेट में रिज्यूम डिज़ाइन की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वो एक वीडियो की सूरत में ये जानना चाहती हैं। इस वीडियो में मैं आपको कैनवा पर रिज्यूम डिज़ाइन करना सिखाऊंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किन किन फॉर्मेट्स पर रिज्यूम डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जहाँ मैं आपको बताऊँगी कि आप कैनवा पर किस तरह से रिज्यूम अट्रैक्टिव रिज्यूम डिज़ाइन कर सकते हैं। आप सर्च बार में canva.com लिखेंगे, कैनवा पर जाएंगे हम। यहां पर आप सर्च कर सकते हैं रिज्यूम टेम्पलेट्स। देखिए यहां पर आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ पेड हैं, जो कुछ फ्री हैं। फिलहाल हम फ्री यूज़ करेंगे। यहाँ से आपकी निश के मुताबिक या आपको जो भी टैम्पलेट सूट करता हो या जो भी आपको पसंद हो, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पेड भी ले सकते हैं अगर आपके पास कैनवा का पेड वर्जन है। यहाँ से मैं कोई भी एक फ्री टैम्पलेट चूज़ करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से उस टैम्पलेट को अपने मुताबिक एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टेम्पलेट चूज़ करती हूँ यहाँ से। यहाँ से आप इस टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं अपने मुताबिक, जो आप चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस, अपना नेम, अपने स्किल्स के बारे में, अपनी एजुकेशन, अपने कॉन्टैक्ट, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी इमेज भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इमेज यहाँ से डल करेंगे, अपलोड में जाएंगे। अगर आपकी यहाँ पे इमेज पहले से अपलोड नहीं हुई, तो आप अपलोड मीडिया पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी प्रोफेशनल इमेज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ मैंने पहले से इमेज अपलोड की हुई है। यहाँ से आप ड्रैग करेंगे, देखिए यहाँ पर ये फ्रेम में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। आप इसको रिलीज़ कर देंगे अपने माउस के बटन को। अगर आपकी इमेज सेंटर में परफेक्ट नहीं आ रही, तो आप इसको यहाँ से डबल क्लिक करेंगे इमेज पर, यहाँ से आप इसको सेंटर में प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से रिज्यूम के कलर चेंज कर सकते हैं। यहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कलर रखना चाहते हैं अपने रिज्यूम का। इसके अलावा आप यहां पे अपना नेम एडिट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, जो आपके टेम्पलेट पर सूट करता है। इसके अलावा आप यहां से कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का ब्लैक रख सकते हैं, जो कलर भी आपके रिज्यूम के कलर के साथ मैच होता है वो आप यहां से टेक्स्ट कलर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर अपनी निश एडिट कर सकते हैं, जो आपकी निश है। आप कॉन्टेंट राइटर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वेब डिवेलपर हैं, आप यहाँ पर अपनी निश एडिट करेंगे। यहाँ पर आप अपने बारे में लिखेंगे, जो आपका नाम है, आपका एक्सपीरियंस है, आपको किस चीज़ में आपका किन चीज़ में आप माहिर है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन एडिट कर सकते हैं। आपने किस यूनिवर्सिटी से या किस कॉलेज से या किस स्कूल से क्या तालीम हासिल की है, आप यहाँ पर इसको डेट एडिट कर सकते हैं।
इसके अलावा आप यहाँ पे अपनी स्किल एडिट कर सकते हैं कि आप किन किन टूल्स में या किन किन निशे में स्किल रखते हैं, कितनी परसेंट आपकी स्किल है, 100% है, 70% आप उस चीज़ में माहिर है, तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी स्किल इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि जैसे यहाँ पर 5 स्किल्स ऐड की हुई हैं, 5 स्किल्स ऐड की हुई हैं जिसने टेम्पलेट क्रिएट किया, डिज़ाइन किया है, तो अगर आपकी स्किल इतनी नहीं है तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा स्किल्स को डेल भी कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर आप मज़ीद अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अपना आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, अपना फ़ोन नंबर, अपने ईमेल आईडी, अगर आपकी वेबसाइट है वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है आपके आपके बिजनेस की तो वो यहाँ पर आप एडिट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कलर चेंज कर सकते हैं, कलर्स की यहाँ से ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। रिज्यूम्स है एक से ज़्यादा पेजेस की भी होती है, अगर आपका एक्सपीरियंस, आपके स्किल, आपकी एजुकेशन ज़्यादा है तो आप एक से ज़्यादा पेजेस की भी रिज्यूम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सब कर लेने के बाद, अपनी रिज्यूम कम्प्लीटली एडिट करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं, PNG, JPG, PDF स्टैंडर्ड, PDF प्रिंट, SVG प्रो है, MP4 वीडियो, GIF, इन डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप अपनी रिज्यूम को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट को एज अ व्यू रिज्यूम सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप PNG, JPG, PDF फॉर्मेट्स में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगी, या आप देख रही हैं यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है, डाउनलोड फोल्डर में ऐड हो चुकी होगी। इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि आप एडिटेबल फॉर्मेट दें अपने क्लाइंट को ताकि वो किसी भी वक्त अपने अपने रिज्यूम को कोई भी चीज़ उसमें ऐड कर सके, कोई भी चीज़ रिमूव कर सके, तो आप वाया सोशल मीडिया या वाया ईमेल भी उसको सेंड कर सकते हैं, यहाँ से आप सोशल मीडिया वाया शेयर कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू। इसके अलावा जो है ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, इसके अलावा आप लिंक के ज़रिए भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ से हम फर्स्ट करें ऐड करते हैं, यहाँ पर आप उस पर्सन का ईमेल ऐड करेंगे, यहाँ पे आप मैसेज लिखेंगे कि हियर इज़ योर फाइनल रिज्यूम। प्लीज़ रिव्यू इट। इसके बाद आप यहाँ से सेंड कर देंगे, यहाँ पर आप अपने कैनवा टीम में अगर उसको इनवाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनवाइट भी कर सकते हैं। तो ये आपके क्लाइंट को सेंड हो चुकी होगी, वो यहाँ पर इसको एडिट भी कर सकता होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका क्लाइंट जो आपने रिज्यूम सेंड किया वो किस तरह से रिसीव करेगा। यहाँ पे मैंने जिस ईमेल पे सेंड किया है वो यहाँ पर मैं ब्राउज़र ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे उसको जीमेल गया होगा, यहाँ से देखिए उसको जीमेल रिसीव हुआ होगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन इन कैनवा जब वो करेगा, ये देखें यहाँ पे जो मैंने मैसेज लिखा था वो यहाँ पे रिसीव होगा आपके क्लाइंट को, जो आप उसको मैसेज लिखेंगे। ओपन इन कैनवा, जब वो ओपन इन कैनवा पर क्लिक करेगा तो वो कैनवा में जाएगा और वहाँ से उसको अपने रिज्यूम को एडिट कर सकेगा, या उसने कोई चीज़ रिमूव करनी है वो रिमूव कर सकेगा, या जिसने कुछ एडिट करना है या कुछ कलर चेंज करने हैं तो वो यहाँ पर सब कुछ कर सकेगा।
वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वीडियो क्लास में बताऊंगी कि आप कैनवा के अलावा किन किन सॉफ्टवेयर में अट्रैक्टिव रिज्यूम डिज़ाइंस कर सकते हैं, जैसा कि एमएस वर्ड, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, और इसी तरह से ऑनलाइन टूल्स हैं जैसा कि कैनवा.com, कैलो.com, और इसी तरह से मुख्तलिफ डिफरेंट ऑनलाइन टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए अट्रैक्टिव रिज्यूम्स डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के साथ एडिटेबल और नॉन एडिटेबल फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने अट्रैक्टिव रिज्यूम डिज़ाइन करना सीख लिया होगा। मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डू कमेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।